हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम ग्रोथ ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम इसमटाटिक नोटेशंस को देखेंगे तो सिमटाटिक नोटेशंस होती क्या है नोटेशंस टू शो द फंक्शन बिहेवियर व्हेन द वैल्यू ऑफ़ द आर्गुमेंट टेंड्स टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक वैल्यू आर इन्फिनीटी तो फंक्शन के बिहेवियर को शो करने के लिए जब हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इन्फिटी तक या किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक जा रही हो तो उसको हम इस एम नोटेशंस कहते हैं हमारे केस में जो वैल्यू होगी वेरिएबल की दैट वुड बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो लेट्स अगर हमारे पास वेरिएबल है एन देन एन शुड अप्रोच टू इन्फिनिटी तो यहाँ पर हमारे पास तीन नोटेशन्स हैं जिनको हम देखेंगे बिग ओ नोटेशन बिग थीटा नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन अब इन सिमटाटिक नोटेशन की हमें ज़रूरत क्यों है और हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं लास्ट टाइम हमने एक एलगोरिदम देखा था जो कि मैक्सिमम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए था मैक्सिमम या लार्जेस्ट एलिमेंट एक अरे में से फाइंड आउट करता था तो हमने उसका रनिंग टाइम देखा था टी ऑफ एन वॉज इक्वल टू एन प्लस वन तो सिमिलरली इस तरह के और एलगोरिदम्स हो सकते हैं लेट से हमारे पास अगर इसको हम टी वन ऑफ़ एन कह दें तो कोई और एल्गोदम होगा जिसका रनिंग टाइम हो सकता है t2 of n that could be let's say 2n टू एन प्लस थ्री इसी तरह से एक और एल्गोरिथम लेट्स से उसका रनिंग टाइम है टी of n एन दैट इज एन स्क्टर प्लस फाइव सिमिलरली टी of n एन कैन बी लट से टू एन स्क्र एंड सो तो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनके जो रनिंग टाइम्स होंगे या टाइम कम्प्लेक्सटी है उसको हम एक फंक्शन की फार्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बजाय इसके कि हम उसके स्पेसिफ़िक फंक्शन को याद रखें या किसी भी एल्गोरिथम को उसके फंक्शन से हम रेफ़र करें तो हम उनको क्लासेस में डिफ़ाइन कर लेते हैं तो लेट से एक ये क्लास हमने बना दी इसको हमने लेट से क्लास वन कह दिया इसी तरह से दूसरे दो एलग्रिदम्स को हमने क्लास टू में डिफाइन कर दिया तो इन क्लासेस को हम क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टाटिक नोटेशन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारी जो फर्स्ट नोटेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस तरह से काम करती है और वो है क्या चीज तो लेट्स से मैं यहां पर बिग गो से स्टार्ट करता हूं तो लिखता हूँ बिग गो नोटेशन तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अ फंक्शन F of N is said to be in Big O of G of N that is F of N belongs to Big O of G of N if F of N is greater than or equal to zero. एंड लेस देन आर इक्वल टू सी जी ऑफ एन फॉर ऑल एनस ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट अब यहां पर देखें तो हमारे पास एन ऑलरेडी है और एन नॉट और सी हमारे पास न्यू टर्म्स आ गई हैं ठीक है तो वेयर एन नॉट एंड सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स ये कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अवर बिग नोटेशन अब इसमें देखें तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनके रिलेशनशिप को हमने डिफाइन किया है वी हैव टू फंक्शंस एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन तो एफ ऑफ एन शुड भी लेस देन आर इक्वल टू सी ऑफ जी एफ एन मीन्स के अगर हम किसी स्पेसिफिक डोमेन के अगेंस्ट रिगर रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एन की और जी एफ एन के अगेंस्ट तो जी एफ एन का जो ग्रोथ होगा वो एफ ऑफ एन से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट अब इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो लेट से वी टेक एन एग्जाम्पल लेट एफ एफ एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एंड जी एफ एन इज इक्वल टू डेट से एन स्क्वेड अब ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन अब हमें एक वेरिएबल एक जो कांस्टेंट है वो डिफाइन करना है सी एंड सी शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट सो लेट सी इज़ इक्वल टू वन तो सिंपली हमने सी को वन में ज्यूम कर लिया अब अगर यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रा करता हूँ जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को लिस्ट ऑन कर लेते हैं ठीक है तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मैं लिख लेता हूँ एन की वैल्यू उसके बाद एफ ऑफ एन की वैल्यू एंड देन सी ऑफ जी ऑफ एन की वैल्यू तो एक टेबल फॉर्म में हम इनकी वैल्यूज़ को लिस्ट ऑन कर लेते हैं एन की बेस के ऊपर एंड एन एन क्या है हमारे पास एन एक्चुअली रेफ़र करते हैं एन इज़ साइज़ ऑफ इनपुट हमने लास्ट टाइम भी दिखा था एन इज़ साइज़ ऑफ इनपुट ऑफ़ एनी एल्गोरिथम, तो जो इनपुट साइज़ है वो वन या उससे ग्रेटर होगा इनपुट साइज़ जीरो या माइनस में नहीं हो सकता तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं एन की वैल्यू वन से वन टू थ्री फोर एंड सो वन हम इस तरह से आगे चलेंगे तो लेट्स इफ एन इज़ वन देन वाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एफ एन टू एन प्लस वन टू प्लस वन थ्री एंड जी ऑफ एन इज एन स्क्वेड वन स्क्वेड इज वन टू टू एन टू इन टू टू प्लस वन दैट इज फाइव एंड हियर इट इज फोर Squared 3 3 into 2 6 plus 1 7 and 3 squared is 9 4 it is 9 <coughs> and 4 squared is 16 5 if n is 5 then f of n is equal to 11 and g of n would be 25 and so on. so here the value of n is approaching to infinity so it can go to infinity and you can see that g of n will always be greater than f of n तो so, यहाँ पर देखें तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक f of n should be less than or equal to g of n for all n is greater than or equal to n नॉट so, तो यहाँ पर देखें तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके बाद जो डेफिनेशन के मुताबिक हमारी कंडीशन जो है वो होल्ड करना शुरू कर दे तो यहाँ पर है वैल्यू हमारे पास थ्री टू में देखें तो एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर है जी एफ एन से वन पे देखें तो एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर है जी एफ एन से तो जो थ्री है दैट इज़ अवर एन नॉट इसी चीज़ को अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें एक्स वाई प्लान के अंदर तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है तो लेट से मैं एक एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर लेता हूं यहां पर मैं एक्चुअल जो कर्व्स हैं वो ड्रा नहीं करूँगा बल्कि एक अप्रॉक्सीमेशन ड्रा करूँगा तो यहाँ पर देखें तो एफ ऑफ एन इज़ लीनियर फंक्शन तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन सी बनेगी वन से ऑनवर्ड तो वन के अगेंस्ट एफ अगर जो एन है वो वन है तो थ्री से स्टार्ट करते हैं तो लेट से कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास एफ ऑफ एन के लिए इसी तरह से देखें तो हमारे पास जो जी ऑफ एन है उसकी एक कर्व बनेगी बिकॉज इट इज़ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन तो सी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर पहले उसकी वैल्यूज़ छोटी हैं और उसके बाद g ऑफ n की वैल्यूज़ ग्रेटर होना शुरू हो जाती हैं दैट इज़ c ऑफ g ऑफ n. तो जहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल या ग्रेटर होना शुरू होती हैं दैट इज़ अवर n नाट ठीक है तो c1 के ऊपर अब यहाँ कर्व में देखें तो हमारे पास f ऑफ n का जो ग्रोथ होगा वो एन नाट के बाद हमेशा कम होगा एज़ कम्पेयर टू जी एफ एन तो इसका मतलब ये है कि सी अगर वन हो और एन नाट अगर हमारे पास थ्री है देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू बिग गो ऑफ जी एफ एन के एफ ऑफ एन और जी एफ एन के दरमियान में एक रिलेशन कायम हो गया जिसमें एक का ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होगा और एक का कम होगा तो हम इस रिलेशनशिप को बिग ओ नोटेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी कैन राइट दैट एफ ऑफ फैन बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन तो इस केस में जो बिग ओ नोटेशन है वो हमें अपर बाउंड प्रोवाइड करती है जो भी हमारे पास एक फंक्शन होगा उसकी अपर बाउंड प्रोवाइड करेगी तो बिग ओ नोटेशन प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड टू अ फंक्शन उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास सेकेंड जो नोटेशन है दैट इज बिग ओमेगा नोटेशन तो वो क्या नोटेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन अगर इसकी डेफिनेशन लिखें अ फंक्शन एफ ऑफ एन इज सेट टू बी इन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन दैट इज F of n belongs to big omega of G of n if CG of n is greater than or equal to 0 and less than or equal to F of n for all n greater than or equal to n naught where सी एंड एन नाट आर पॉजिटिव कॉन्सटेंट्स तो यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास डेफिनेशन है वो बिग गो नोटेशन से ही मिलती जुलती है थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप कंडीशन में देखें तो वहाँ बिग गो में एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन आर इक्वल टू जी एफ एन यहाँ पर देखें तो सी एफ जी एफ एन शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एन तो उससे उलट है तो इसको अगर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लें लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं और फंक्शंस को ज्यूम करते हैं लेट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेड या साथ में लेट से एन स्क्वेड प्लस वन में कर लेता हूं एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन अब यहां पर देखें तो जो ग्रोथ होगा वो किस तरह से होगा कि जी एफ एन शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एफ एफ एन तो यहाँ पर हम सी भी ज्यूम कर लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू वन अब अगेन हम उसी तरह से ड्रा करेंगे एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ वैल्यूज़ हम देखेंगे और उसके मुताबिक हमें एन नॉट का पता चल जाएगा जो डोमेन वैल्यूज़ हैं वो एन से स्टार्ट होंगी एन को हम डोमेन कंसिडर कर रहे हैं और उनके मुताबिक जो रेंज की वैल्यू होगी वो हमें पता चलेगी एफ ऑफ एन और थर्ड रो हम बना लेते हैं सी जी एफ एन के लिए तो वन के अगेंस्ट अगर आप एफ ऑफ एन देखें तो दैट वुड बी वन स्क्वेड प्लस वन टू एंड जी एन इज़ वन, टू के अगेंस्ट देखें तो फोर प्लस वन फाइव दैट इज टू थ्री के अगेंस्ट एफ ऑफ एन नाइन प्लस वन टेन एंड दैट इज थ्री फोर के अगेंस्ट सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन एंड फोर फाइव के अगेंस्ट एफ ऑफ एन वुड बी ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स एंड जी एफ एन वुड बी फाइव एंड सो अब यहाँ पर देखें तो एन की वैल्यू वन से ही हमारे पास एफ एफ एन का जो ग्रोथ है दैट इज़ हायर देन जी एफ एन सो इन दिस केस वन इज़ अवर एन नॉट। अगर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें एक्स वाई प्लेन में तो लेट से दिस इज अवर एक्स दिस इज़ वाई तो एफ आफ एन वुड बी ग्रेटर एंड सी जी एफ एन वुड बी लेस अब यहाँ पर हमारे पास जिया एन इज़ लीनियर फंक्शन तो उसकी जो कर्व बनेगी वो समथिंग लाइक दिस वन सी जी एफ एन और यहाँ से ही जो एफ एफ एन है वो कर्व की फॉर्म में ग्रेटर ही रहेगा हमेशा जी एफ एन से तो दैट इज़ अवर एफ ऑफ एन और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ अवर एन नाट तो अगर एफ एफ एन है हमारे पास और जी एफ एन है और जो कांस्टेंट है दैट इज़ सी इज़ इक्वल टू वन एंड एन नाट इज़ इक्वल टू वन आल्सो देन वी कैन राइट दैट एफ एफ एन बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ जी एफ एन इसका मतलब ये है कि एफ एफ एन का जो ग्रोथ होगा वो जी एफ एन से ग्रेटर या इक्वल होगा तो इसी तरह से अगर हम देखें तो बिग ओ नोटेशन जो थी दैट प्रोवाइड्स अपर बाउंड टू अ फंक्शन तो बिग ओमेगा नोटेशन प्रोवाइड्स अ लोअर बाउंड टू अ फंक्शन तो इट प्रोवाइड्स अ लोअर बाउंड टू अ फंक्शन उसके बाद अगर हम अपनी तीसरी नोटेशन की तरफ जाएं तो दैट इज बिग थीटा नोटेशन ग थीटा नोटेशन तो ये बिग थीटा नोटेशन इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ प्रीवियस टू नोटेशंस इट्स अ हाइब्रिड नोटेशन ऑफ बिग ओ एंड बिग ओमेगा तो इसकी डेफिनेशन करते हैं अ फंक्शन एफ ऑफ एन इज To be in Big Theta of G of N that is, F of N belongs to Big Theta of G of N if C one G of N is greater than or equal to F of N. And f of n is greater than or equal to C two of G of N for all n s greater than or equal to N naught, where C one and C two and N naught are positive constants. अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास अब थ्री कांस्टेंट्स हैं c1, c2 टू एंड एन नाट सी वन सी एफ एन सी वन आफ जी एफ एन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी टू आफ जी एफ एन तो अब यहाँ पर देखें तो जो एफ ऑफ एन है वो दरमियान में है जी एफ एन उस साइड पर भी है इस साइड पर भी है तो ये तभी पॉसिबल हो, होगा पॉसिबल होगा जब दोनों फंक्शंस की डिग्री सेम हो तो हम एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो फंक्शन हैं। लेट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लेट्स से आई राइट एन प्लस थ्री एंड जी एफ एन इज इक्वल टू एन अब यहाँ पर सी वन और सी टू भी हमें ज्यूम करना है जो कि पॉजिटिव हो तो लेट्स से सी वन शुड बी ग्रेटर ऑन द ग्रेटर साइड तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट हैं तो सी वन चूज कर लेता हूँ थ्री एंड सी टू इज इक्वल टू वन अब हमारे पास इसी तरह से तीन कॉलम्स बन जाएंगे तो यहाँ पर एन के लिए उसके बाद ये हमारे डोमेन की वैल्यूज़ हैं तो c1 वन जी एफ एन यहाँ पर एफ एन एफ एफ एन लिख लेते हैं एंड सी टू जी एफ एन यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू वन है तो c1 वन ऑफ जी एफ एन क्या होगा अब c1 वन थ्री है थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन इज़ थ्री एंड n प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर एंड c2 टू जी एफ एन शुड बी वन क्योंकि c2 हमारे पास वन है टू के लिए क्या देखते हैं हमारे पास जो जी एफ एन है दैट इज़ एन थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ सिक्स और एफ एफ एन वुड बी टू प्लस थ्री फाइव और सी टू जी एफ एन वुड बी टू एन थ्री हो तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज़ नाइन और यहाँ पर थ्री प्लस थ्री इज़ सिक्स एंड सी टू जी एफ एन इज़ थ्री फोर के लिए देखें तो हमारे पास फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री टवेल्व एंड फोर प्लस थ्री इज़ सेवन एंड सी टू जी एफ एन इज़ फोर फाइव के लिए देखें तो फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज़ फिफ्टीन और यहाँ पर देखें तो फाइव प्लस थ्री इज़ एट एंड हियर इज़ फाइव एंड सोवा तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो c1 वन जी एफ एन है उसकी वैल्यू ग्रेटर है एफ़ एफ एन की वैल्यू जो है उससे लेस है और जी एफ एन की वैल्यू अगेन एफ एफ एन से भी लेस है अब ये कंडीशन जो है कि एफ़ एफ एन उन दोनों के दरमियान में है वो कंडीशन जहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट करेगी दैट वुड बी अवर एन नाट तो यहाँ पर देखें तो शुरू में जी एफ एन सी वन जी एफ एन की वैल्यू एफ एफ एन से छोटी है टू के ऊपर ये ग्रेटर है जी एफ एन की वैल्यू लेस है और एफ एफ एन की वैल्यू दरमियान में है तो ये जो ट्रेंड है वो टू के बाद फॉलो होना शुरू हो जाता है तो हमारे केस में फिर एन नाट इज़ टू तो यहाँ पर हमने फिर जो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं वो ये हैं सी वन इज़ थ्री सी टू इज़ वन एंड एन, एन नाट इज़ टू अब अगर इनको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं एक्स वाई प्लेन में तो हमारे पास अब तीन कर्व्स बनेगी एक सी वन जी एफ एन के लिए एक एफ ऑफ एन के लिए और एक सी टू जी एफ एन के लिए दिस इज़ अवर एक्स दिस इज़ अ वाई तो जो एक्स एक्सिस पे हमारे एन की वैल्यू होगी तो सबसे पहले लेट्स से जो लोअर फंक्शन है उसको देख लेते हैं सी टू जी एफ एन तो ये एक लीनियर फंक्शन है वन से वन से स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट इस तरह की फोटी फाइव डिग्री के ऊपर उसका जो ट्रेंड है वो बनेगा तो उसको हम सी टू जी एफ एन कह देते हैं उसके बाद हमारा एफ़ ऑफ एन है तो वो वन के अगेंस्ट फोर से स्टार्ट हो रहे हैं तो हायर वैल्यूज़ की स्टार्ट होगी और उसी तरह आगे फिर लीनियर वैल्यूज़ की बनती जाएगी तो उसको हम एफ ऑफ एन कह लेते हैं उसके बाद सी वन जी ऑफ एन है जिसके साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले वैल्यूज़ की थोड़ी सी कम थी और उसके बाद वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो उसको हम सी वन जी ऑफ एन कह देते हैं तो यहाँ पर देखें तो जहाँ पर कंडीशन होल्ड होना शुरू हो जाती है दैट इज़ अवर एन नाट तो यहाँ देखें तो एफ़ ऑफ एन जो है वो उन दोनों के दरमिया में सैंडविच हुआ हुआ है ठीक है सी वन जी एफ एन जो है वो अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है और सी टू जी एफ एन लोअर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है और एफ़ ऑफ एन हमारा दरमियान में है तो इफ़ वी हैव सी वन इज़ इक्वल टू थ्री सी टू इज़ इक्वल टू वन एन नाट इज इक्वल टू टू तो अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सटेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट एफ एफ एन बिलोंग्स टू बिग थीटा ऑफ जी एफ एन इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में ये रिलेशन होगा अब यहाँ पर देखें तो अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि थीटा नोटेशन प्रोवाइड्स अ टाइट बाउंड टू अ फंक्शन टाइट बाउंड टू अ फंक्शन राइट right? तो दीज आर थ्री बिग ओ बिग ओमेगा एंड बिग थीटा नोटेशन तो इनके अलावा लिटल या स्मॉल नोटेशन भी हैं जिनको हम स्मॉल ओ नोटेशन कहते हैं इसी तरह से हमारे पास स्मॉल ओमेगा नोटेशन है तो इन नोटेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे